नमस्कार, मैं निकिता विभम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। आपके लिए निकली है वैकेंसी। किस चीज़ में वैकेंसी निकली हुई है? AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या इसकी एज लिमिट होगी? क्वालिफिकेशन क्या होगी? कैसे पोस्ट होती हैं? कैसे क्या होता है? आइए देखते हैं। पोस्ट नाम क्या है? पोस्ट नेम इसका है जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की इसकी पोस्ट निकली हुई है। टोटल वैकेंसी कितनी निकली हुई है? 342 इसकी पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। कैटेगरी क्या होगी? गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। जो एप्लीकेशन मोड होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होगा। स्टार्ट डेट 5 अगस्त को इसका फॉर्म फिलअप किया जाने लगा था और 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वॉइस टेस्ट होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, साइकोटेटिव सब्सटेंस होगा, उसके बाद जॉब लोकेशन जो रहेगी एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी इसकी जॉब लोकेशन हो सकती है। ऑफिशियल साइट है इसकी AAI.AERO। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन हमें कब पता चला था। 21 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन पता चला था। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो 5 अगस्त को स्टार्ट हुई थी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर है। एग्ज़ाम की हम बात करें तो टू बी अपडेट सून, इसकी एग्ज़ाम डेट का कोई अपडेट नहीं दिया गया है। यहाँ हम बात करते हैं फीस की। जो SC ST फीमेल की फीस होगी वो होगी 0, उसकी कोई फीस आपको नहीं देनी है। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी होगी आपकी 1000 रुपये फीस होगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या पोस्टेज हैं। जूनियर असिस्टेंट क्या क्वालिफिकेशन होगी? आपको इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम सीनियर असिस्टेंट जो अकाउंटेंट होंगे उसके लिए आपको BCom कंप्लीट करनी होनी चाहिए। जो आपकी ग्रेजुएशन होगी वो BCom में होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन ग्रेड, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपकी जो ग्रेजुएशन होगी वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इसमें आपकी BCom विद ICWA CA MBA विद स्पेशल इन फाइनेंस। दूसरी हम बात करें जूनियर एक्सेल फायर सर्विसेज, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किस चीज़ में? बैचलर इंजीनियर में आपके पास आप डिग्री होनी चाहिए। जूनियर एक्सीक्यूटिव लॉ, इसमें हम क्या देखते हैं? प्रोफेशनल डिग्री लॉ, आपकी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए लॉ में। या हम देखते हैं भव्यम क्लासेस दिल्ली, भव्यम क्लासेस दिल्ली जो CUET UPSC IAS KVS DSSB NVS CTET SSC रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करवाता है। इसके लिए आपको एक ऐप भी होगा जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें फ्री नोट्स, करंट अफेयर्स और जो भी जानकारी होती हैं, एडमिट कार्ड, वैकेंसी जो भी नई निकलती है वो सब आपको ऐप में प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद अगर आप भव्यम क्लासेस में क्लास लेते हो तो आप किसी भी मोड पे क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे यहाँ पे क्लास होती है। इसके बाद आपको न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 21 अगस्त को, जिसमें 9 से 1 क्लास होगी। फ्रेश बैच ये स्टार्ट किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम, इंस्टा ऐप, जो वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर डेली लाइव क्लासेस आती हैं, करंट अफेयर्स सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। धन्यवाद।